नीतीश कुमार जी ने तो कहा है कि भाई हम किसी भी सूरत में भाजपा के साथ नहीं जाएंगे, सत्ता बदलने की बात कर सकते हैं तो उसका हम स्वागत करेंगे। यदि सोचेंगे कि पाला बदलने से राज्य को फायदा है। बिहार में एक बार फिर क्या नीतीश कुमार पलटी मार सकते हैं? ये हम नहीं कह रहे, ये जीतन राम मांझी के बयानों से ऐसा लग रहा है। जीतन राम मांझी ने सीधे तौर पर कहा है कि नीतीश कुमार जिस पाले में जाएंगे हम उनके साथ रहेंगे, हम उनके निर्णय का स्वागत करेंगे। क्या कुछ कह रहा है जीतन राम मांझी, पहले हम आपको वो सुनाते हैं। क्या कैलकुलेशन है उनके बारे में हम नहीं कर सकते, लेकिन नीतीश कुमार जी ने तो कहा है कि भाई हम किसी भी सूरत में भाजपा के साथ नहीं जाएंगे। लेकिन हमारा व्यक्तिगत भी अपना मानना है कि राजनीति में कोई दो जोड़ दो चार होता है वो नहीं होता है, यहाँ दो जोड़ दो छः भी हो सकता है और दो जोड़ दो दो भी हो सकता है। तो वैसी परिस्थिति में नीतीश कुमार अगर राज्य हित में अभी जैसा चल रहा है, अगर इसमें कहीं कुछ दिक्कत समझते हों तो इधर उधर की बात कर सकते हैं, सत्ता बदलने की बात कर सकते हैं तो उसका हम स्वागत करेंगे। क्योंकि एक बार और आप लोगों से कहा है कि महामाया बाबू यहाँ बिहार के राजनीति में इसी प्रकार से कई एक बार उन्होंने पाला बदला था, तो लोगों ने पूछा था उनको कि आप इतना पाला बदल रहे हैं क्या कारण है, तो उन्होंने कहा था कि जनहित में अगर हमको 100 बार अगर पाला बदलना पड़ेगा तो हम 100 बार बदलेंगे। तो उसी प्रकार से नीतीश कुमार यदि सोचेंगे कि पाला बदलने से राज्य को फायदा है और यदि वैसा वो करेंगे तो हम उसका स्वागत करेंगे। हालांकि कि वैसी बात नहीं है, वो तो नकार रहे हैं। अब रही बात पीके, तो पीके क्या बात है, अपना उनका कैलकुलेशन है, उसके आधार पर वो कर रहे हैं तो हम उसकी बात नहीं करना चाहते। जीतन राम मांझी ने सीधे तौर पर कहा है कि राजनीति में वादे का कोई महत्व नहीं होता, जनता के हित में जो भी निर्णय होगा वो लिया जाएगा। नीतीश कुमार अगर पाला बदलते हैं तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी, हम उनका स्वागत करते हैं। लेकिन अभी फिलहाल नीतीश कुमार तो नकार रहे हैं कि बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, लेकिन अगर जनता के हित के लिए उन्हें जाना पड़े तो हम उनके साथ रहेंगे। आपको बता दें कि प्रशांत किशोर ने यह दावा किया था कि नीतीश कुमार के बीजेपी के नेताओं के साथ संबंध हैं और इसको लेकर सियासत शुरू हो गई थी, और जीतन राम मांझी ने इसमें एक और तड़का लगा दिया और सीधे तौर पर कहा है कि नीतीश कुमार अगर जाएंगे तो हम उनके साथ हैं। कहीं ना कहीं इशारों में उन्होंने चर्चा का बाजार गर्म कर दिया है कि नीतीश कुमार पलट सकते हैं, यानी कि बीजेपी में जा सकते हैं या फिर महागठबंधन को छोड़ सकते हैं। अब देखना ही होगा कि लगातार सियासी जो गलियारे हैं उसमें चर्चाओं का बाजार गर्म है और उसको जीतन राम मांझी के बयान ने एक और तड़का दे दिया है। अब नीतीश कुमार क्या कुछ फैसला लेंगे ये तो अभी नहीं पता, लेकिन आने वाले वक्त में अगर नीतीश कुमार कुछ बदलाव करेंगे तो हम ज़रूर आपको बताएंगे। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहें द एच डी न्यूज़ के साथ और देखते रहें द एच डी न्यूज़।